हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन को लेकर के है। पाइचार्म के ऊपर एक ऐसा एप्लीकेशन बनाएंगे पाइथन का जो कि स्क्वायर कैलकुलेट करके देगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, पाइचार्म को ओपन कर लेना है। पाइचार्म ओपन है, यहाँ से फाइल पे जाना है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ है वी आर यूजर, तो यहाँ पर दिस विंडो कर दीजिए। और जैसे दिस विंडो करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है, इन्वायरमेंट क्रिएट करने में। और ये इन्वायरमेंट क्रिएट करके हमें दे देगा। यहाँ पर हम आ चुके हैं कोड विंडो पर, तो यहाँ पर अब हमें पाइथन की कोडिंग करनी है, ठीक है। क्या कोडिंग करें, क्या लिखें कि हमारा गिवन नंबर का जो स्क्वायर है वो कैलकुलेट करके दे दे पाइथन। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ ये नाम से वेरिएबल, आई होप कि आपको पता ही होगा कि क्या होता है। यहाँ पे इंट टाइप का वेरिएबल बना रहा हूँ, यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट में डबल एंटर कोट्स में लिखूंगा एंटर अ नंबर, क्योंकि यूजर तो नंबर एंटर करेगा उसको स्क्रीन पे यही दिखाई पड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये यूजर नंबर एंटर कर देगा, ठीक है। यूजर जैसे ही नंबर एंटर करेगा तो यहाँ पर एक और वेरिएबल एस नाम से बनाऊंगा, ठीक है। एस इज इक्वल टू ए इंटू ए, यानी ए इंटू ए का मतलब कि स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट लगाऊंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा। यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा तब बहुत सावधानी से काम कीजिएगा। ये पाइथन की जो आईडी है पाइचार्म, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखूंगा स्क्वायर ऑफ टू, स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर कर देते हैं, गिवन नंबर इज, बस इतना लिख करके यहाँ पर आ जाइए, कॉमा दे दीजिए। और चूंकि स्क्वायर स्टोर होगा जाकर के एस में, तो यहाँ एस लिख देना है, काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये जो बटन दिया गया है रन का, यहाँ पे एक्सिक्यूट कर दीजिए इसको। जैसे ही एक्सिक्यूट करेंगे नीचे लिखा हुआ आएगा एंटर नंबर, कोई नंबर एंटर करते हैं, देखते हैं ये स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा है या नहीं। सबसे पहले थ्री एंटर करता हूँ, तो थ्री का जो स्क्वायर होता है वो नाइन होता है, बिल्कुल सही है। फिर एक बार इसको एक्सिक्यूट करते हैं, इस बार मैं एंटर करता हूँ सेवन, सेवन का जो स्क्वायर होता है वो 49 होता है, तो क्या ये 49 आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से, जैसा कि मैंने कहा आपसे, तो ये आ गया, पहले से एक्सिक्यूट है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए सेवन, सेवन का 49 होता है, 49 आ भी रहा है। इसी तरीके से एक बार और इसको एक्सिक्यूट कर देते हैं और देखते हैं कि इस बार आता है या नहीं, तो यहाँ 9, तो यहाँ 9 का 81 होता है। इसी तरीके से कोई भी स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है आप आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें एक फंक्शन का भी यूज होता है, फंक्शन का यूज करके कैसे करना है वो अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।